खबर है, बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। रतनपुर में लगातार डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि रतनपुर के महामायापारा के 50 लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। खराब पानी यानी कि दूषित पानी की वजह से 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। रतनपुर अस्पताल में इनका उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र का सर्वे किया, घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। तो डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है कुछ क्षेत्रों में, जहां पर दूषित पानी की वजह से कई लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं और अब तक 50 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र का सर्वे किया है और 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। बता दें कि सभी को जो डायरिया से ग्रसित हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनमें कई तरह के लक्षण हैं, बीमार हैं और इनका उपचार जारी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाई है, ये टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर रही है और सर्वे किया जा रहा है क्षेत्र का। साथ ही क्षेत्र के लोगों से कुछ सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। जो दूषित पानी है उसे ना पिएं, अगर जो आप पानी पी रहे हैं उसे उबाल कर पिए इस तरह के। अगर आप उपाय करते हैं तो डायरिया से बच सकते हैं, इसकी चपेट में आने से बचा जा सकता है। मरीजों की संख्या में लेकिन लगातार इजाफा हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आया। हरकत में आते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम बनाई गई है जो कि घर घर जाकर लोगों का परीक्षण कर रही है, स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, डायरिया का प्रकोप रतनपुरा में देखने को मिल रहा है, अब तक 50 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आए, इससे ग्रसित हो गए हैं। स्वास्थ्य महकमा किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है? हाँ देखिए, जो डायरिया के केसेस सामने आए हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, सीएमओ पहुंचे थे, इसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया है और साथ ही दवाइयां वितरित की गई है। जो लोग पीड़ित हैं उनको सलाह दिया गया है कि वो दूषित पानी से बचे, जो पानी पी रहे हैं उसको उबाल करके पिए और क्लोरीन की जो दवाएं हैं वो वितरित की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक के 50 से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं और 20 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 3 ऐसे गंभीर लोगों को बिलासपुर के इस सिम्स हॉस्पिटल में रिफ़र किया गया है। लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, सकरी में पहले डायरिया फैला था और अब रतनपुर के महामायापारा में डायरिया का प्रकोप फैला है। लेकिन स्वास्थ्य महकमा ये ज़रूर कहता है कि हम बचाव के उपाय कर रहे हैं और लेकिन जो दूषित पानी है जो घरों तक जिसके जरिए पहुंचता है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। नालियों से गुजर करके पाइपलाइन जाती है और जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि जो नगर पालिका के सीएमओ वो ये कह रहे हैं कि दूषित पानी की सप्लाई की वजह से नहीं है, कुछ और वजह से डायरिया फैली है, ठंडे या दूषित भोजन करने की वजह से डायरिया फैली, ऐसा कहा जा रहा है। जी वीरेंद्र, लेकिन एक तरफ पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद क्या हॉस्पिटल में क्या मरीजों के इलाज के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या हॉस्पिटल में बेड की संख्या को बढ़ाया गया है और साथ ही क्या किस जो टीम गठित की गई है वो टीम किस तरह से सर्वे कर रही है, जांच कर रही है घर घर जाकर? देखिए संभव, जो टीम बनाई गई है, डॉक्टरों की टीम है, वो घर घर जाकर सर्वे कर रही है और जो यहाँ पीड़ित मिल रहे हैं वहीं पर दवा दिया जा रहा है, उनका इलाज भी वहीं पर किया जा रहा है और ज़्यादा पीड़ित है तो उनको फिर हॉस्पिटल लेके पहुँचा जा रहा है। रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त 20 लोग भर्ती हैं और
तीन जो गंभीर मरीज हैं उनको यहाँ बिलासपुर के सिम्स लाया गया है। साथ ही जो टीम है वो सर्वे कर रही है कि जो इस इलाके में, जिस इलाके में डायरिया फैला है, वहाँ पर पानी का सप्लाई कहाँ से होता है। तो ये अभी पाया गया है, करीब 250 घरों का सर्वे हॉस्पिटल में मौजूद है और इस हॉस्पिटल में कई डायरिया के मरीज भर्ती हैं। अगर उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करें, उनका क्या कहना है? देखिए जो डायरिया के मरीज यहाँ भर्ती हैं, तीन मरीज यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन उनके परिजन इस वक्त यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और साथ ही जो हॉस्पिटल के भीतर इलाके में जहाँ पर भर्ती हैं वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है, इस वजह से हम लोग बाहर से ही तस्वीरें दिखा पा रहे हैं इस हॉस्पिटल की। लेकिन तीन मरीज यहाँ भेजे गए हैं और 20 मरीज इस वक्त रतनपुर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई लोग डायरिया की चपेट में आए हैं, हालांकि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है, तमाम अपील भी की जा रही है, एडवाइजर भी जारी की जा रही है। तो रतनपुरम में और आसपास के क्षेत्रों में डायरिया लोगों को डरा रहा है, क्योंकि कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है।